हेलो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है एक बाथरूम का अंदर जो टॉयलेट होता है, टॉयलेट बेसिक मॉडल जो टॉयलेट होता है वेस्टर्न काउंटर टॉयलेट का, उसका एक फ्लशिंग आता है, उसका सीट कवर आता है और एक टॉयलेट बैठता है, तो ये तीनों सेट को एक सेट आता है। वो फ्रेंड्स वो बेसिक मॉडल टॉयलेट जो है उसका कैसे हम उसको रिपेयर करेंगे, लीकेज जो होता है फ्लश में लीकेज होता है, टॉयलेट का अंदर लीकेज होता है, उसका वेंट का अंदर लीकेज होता है, और उसको क्यों लीकेज होता है और क्या क्या उसका प्रॉब्लम होता है और उसको कैसे रेडी करना फ्रेंड्स, और उसको रेडी करने के लिए कितना खर्चा होता है और उसको कैसे आप वो कहाँ से उसका स्पेयर पार्ट्स मिलेगा और कैसे लेके आप उसको कर सकते हो, इस ब्लॉग में मैं पूरा एक से लास्ट तक मैं डिटेल बताऊंगा। फ्रेंड्स ब्लॉग को स्किप मत करो, फुल ब्लॉग आपने अगर वीडियो देखा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, चाहे तो आप घर में खुद कर सकते हो या तो किसी प्लम्बर को बुला के करा सकते हो। प्लम्बर को बुला के करने से आप कुछ अगर उल्टा पुल्टा बोलेगा कि इतना है वो है, आपको पहले से पता होगा तो आपको परफेक्ट रेट आप उसको दे सकते हो, इसलिए ब्लॉग को देखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा तो आपको एक लाइक करना और सब्सक्राइब तो फ्रेंड्स एक जरूर करना। मैं इसी तरह का जो नए नए ब्लॉग लाता रहता हूँ, जैसे कि टॉयलेट का अंदर कैसे मॉडिफाई करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे आपको उसको हैंडल करेंगे, मैं एक एक ब्लॉग में आप में डालता रहूँगा, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स मैं दिखाता हूँ वो टॉयलेट को कैसे, क्या लीकेज होता है, कहाँ से लीकेज होता है और उसको कैसे रिपेयर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक बेसिक मॉडल का जो टॉयलेट है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसका टॉयलेट है, फ्रेंड्स एक टॉयलेट है और सीट कवर लगा हुआ है और ये फ्लशिंग है, ये बेसिक मॉडल है फ्रेंड्स। अभी देखिए मैं पहले फ्लश के बारे में पहले बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी आपका घर में आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी यहाँ से लीकेज होता है, यहाँ पे लीकेज होकर लाइन पड़ जाता है, ड्रिप ड्रिप यहाँ से गिर के ये एरिया गीला रहता है, यहाँ से गिरता है और ये साइड में एक ओवरफ्लो है, इधर से गिरता है। फ्रेंड्स कभी भी ध्यान रखना, ये अगर ये जगह में से गिरना और वो साइड से गिरना, इसका मतलब टैंक ओवरफ्लो हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर रहा है। फ्रेंड्स मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए अगर देखिए पानी इतना लेवल में अभी स्टॉप है, अगर मैंने इस बॉल को थोड़ा नीचे करूँ, देखिए थोड़ा दबाऊँ फिर पानी भरना शुरू हो गया, तो इसका ये क्या है, यही जो स्क्रू लगा है यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स ये जो स्क्रू है, ये अभी देखिए ये जो लेवल में अभी पानी भरा है, चाहे तो आपको लेवल कम कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने स्क्रू ड्राइवर में यहाँ पे जो स्क्रू लगा है उसको थोड़ा सा अगर आपने टाइट करोगे तो ये आपको टैंक से लेवल कम भरेगा, क्योंकि ये जो बल्कक है, ये जो पूरा सेट है इसको बल्कक बोलते हैं, यहाँ तक ये जो सेट है ये सिर्फ फ्लश का अंदर पानी को कंट्रोल करने के लिए है, और ये जो स्क्रू है वो एडजस्टिंग करने के लिए, ये पानी को जितना चाहिए आपको, हाफ टैंक रखना है, फुल टैंक रखना है, कितना रखना है, इसी स्क्रू में आपको एडजस्ट करना पड़ता है फ्रेंड्स। और एक दूसरा चीज़ क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये एडजस्ट करने पर भी पानी एक्सेस भर के गिर रहा है, उस टाइम आपको क्या करना है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इसका बल्क का जो यहाँ पे जो रहता है इसको खोलना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसको पकड़ के ऐसे हाथ से खोलना, पहले पानी बंद कर देना और उसको बाद हाथ से खोलना, देखिए ऐसे राउंड करके खोल दिया तो ये देखो दो पीस हो गया फ्रेंड्स। इसको क्या करना है, देखिए ये वाशर है, ये वाशर क्या हुआ, जब भी सड़ जाएगा, जहीं कट हो जाएगा तो पानी बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये भरता ही रहेगा, भरता ही रहेगा, जिसके वजह से यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका ये जो वाशर का कीमत सिर्फ 20 रुपीज़ है, 20 रुपया है, चाहे तो आप हार्डवेयर शॉप में लाना फिर आपको फिट करना फ्रेंड्स। कभी कभी पानी भी स्लो आता है, स्लो आने का मतलब यहाँ से जो कि छोटा सा होल है उसमें अगर कुछ कचरा फंस गया तो इसमें पानी बहुत लेट में, एक बार फ्लश किया तो और कम से कम आधा घंटा लग जाएगा और एक बार फ्लश भरने के लिए, फिर आपको क्या करना है, इसको खोल के क्लीन करना, जैसे मैंने अभी खोला वाशर को खोल देना, फिर आपको पाइप को खोल के इसको क्लीन कर देना है, फिर आपको फिट कर देना है फ्रेंड्स। अगर ये वाशर ख़राब हुआ तो ये वाशर को आप लगा सकते हैं, जैसे आपने खोला ये जो बॉटम दिया है, ये बॉटम को अंदर डालना है क्योंकि यही प्रेस करता है, फिर आपको ये वाशर को क्या करना है, सीधा आपको उसका अंदर डाल देना है, देखो डाल देना है, नया वाशर ले आते फिर आपको इसी तरह का जैसे निकाला था ऐसे ही टाइट करना है,
और दूसरा चीज़ क्या है फ्रेंड्स, टाइट करने का टाइम पे आपको इसका ग्रिप को पता चलना बोले तो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तो फिर आपको थोड़ा इसको मूव करना, जब आप मूव करोगे ये करेक्ट जगह में बैठ जाएगा। ये अभी लग चुका है, अभी पानी बंद करे तो उतना ही में बंद रहेगा। फ्रेंड्स अगर ये बीमारी तो आपको पता चल गया, अगर ये इसमें कुछ कचरा फंसा, पानी कभी कभी स्लो भरता है टैंक के अंदर, तो इसको खोल के क्लीन करना, ये बॉडी को खोल क्लीन कर दिया तो पानी बराबर आ जाएगा। क्योंकि इसको खोल दिया, वाशर को खोल दिया, फिर आपको चालू कर दो, पानी फोर्स में आ रहा है तो करेक्ट आ जाएगा पानी। तो ये हो गया पानी का कंट्रोल, ओवरफ्लो को कैसे रोके। दूसरा चीज़ क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि साइपन लगा हुआ है। ये साइपन क्या करता है, फ्लश कराता है। जैसे आपको ये बॉटम को दबाए तो ये जो स्टिक लगा हुआ है इसको उठाता है। देखिए अभी मैं फ्लश करूँगा, देखिए ये बॉटम को ऐसे उठाता है, पूरा पानी खाली होने के बाद फिर ये गिर जाता है और फिर पानी भरना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स अगर कभी कभी क्या होता है, फ्लश करने के बाद भी अगर हमको फ्लश नहीं कर रहे हैं तो भी पानी टॉयलेट के अंदर गिरता रहता है। तो क्यों गिरता है फ्रेंड्स, उसका भी मैं दिखाता हूँ वो बीमारी क्या है। आपको पहले क्या करना है, उसको पहले ये जो छोटा सा बटन रहता है इसको खोलना है, तोड़ने की कोशिश नहीं करना, कभी खोलने के लिए कोशिश करना कैसे खोलता है तो ऐसे हिसाब से आपको खोलना है। देखिए फ्रेंड्स ये स्टिक को ऐसे घुमा के थोड़ा निकाल देना है, मैं ऑलरेडी निकाल दिया हूँ। अभी आपको दिखाता हूँ ये कमोड़ के अंदर हमेशा पानी क्यों जाता रहता है। फ्रेंड्स देखिए इसको क्या है, इसको पकड़ के थोड़ा लेफ्ट साइड घुमाए तो ये खुल जाएगा, ये पीस टोटल बाहर आएगा। ठीक है अभी मैंने इसका वाशर आज चेंज कर दिया था। फ्रेंड्स देखिए ये जो वाशर है ये प्लेन वाशर है, ये वाशर कभी सड़ जाए तो ये क्या होता है, ये बैठता है कहाँ पे, ये देखो ये लेवल में बैठता है। देखिए ये जो प्लेन एरिया उसी का ऊपर बैठता है। अगर ये आप फ्लश का अंदर जो टैंक को थोड़ा क्लीन नहीं करोगे तो फ्लश करने का टाइम में कुछ कचरा अगर ये वाशर का नीचे ऐसे फंस गया तो भी कंटिन्यू पानी जाता रहेगा। तो इसलिए जब भी कंटिन्यू जाएगा दो बार फ्लश मार दो, वो फ्लश टैंक का अंदर थोड़ा क्लीन कर दो, वो हो जाएगा। तो वो होने के बाद अगर पानी नहीं रुकता है फ्रेंड्स ये वाशर खराब हो जाता है। देखो ये वाशर देखिए किस तरह का सड़ गया है, पूरा ऐसे सड़ गया तो ये रफ हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा सेट नहीं लेता, जैसे वो राउंड पे बैठता नहीं ठीक से। अगर राउंड पे ठीक से नहीं बैठा तो ये लीकेज होना शुरू करता है, इसलिए वाशर को बदल देना। फ्रेंड्स इसका कीमत है 30 रुपीज़ है, आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। आप लाके कुछ नहीं है, इसको सिर्फ आपको ऐसे निकालना फेंकना और वो सेम ग्रिप में इसको बैठा देना और कुछ नहीं, प्रेस करके बैठाना है। बैठा के फिर आपको इसको बराबर, क्योंकि आपको जब इसको लगाओगे तो इसमें देखिए ये चार जो डॉट मरा हुआ है, 1, 2, 3, 4, ये जो चार डॉट है ये डॉट जाके वो हुक का अंदर फंसता है। देखिए फ्रेंड्स ये जो हुक लगा है ये हुक टाइप हुआ है चारों, ये हुक टाइप में फंस जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैं लगाता हूँ, ऐसे स्ट्रेट रखना उसका ऊपर, ऐसे स्ट्रेट जैसा था ऐसे स्ट्रेट रख के आपको पता चल जाएगा जब ये सीधा बैठ जाएगा, क्योंकि सीधा बैठने के बाद ये आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा, सीधा में बैठ जाएगा वो। इसको बैठाने के टाइम में थोड़ा सा ध्यान में बैठाना है। क्योंकि ज़्यादा पुराना होने के बाद थोड़ा ये जो एरिया है थोड़ा बड़ा, देखिए अभी बैठ गया। अब बैठने के बाद क्या करना है, थोड़ा राइट को घुमा देना है। अब ये लॉक हो गया, अब ये नहीं आएगा, सिर्फ ये फ्लास्क का जो बॉटम है वो ऊपर आएगा। फिर आपको ये स्टिक को ऐसे लगा देना है और आपका जो ये जो बॉटम है फ्लास्क बॉटम है उसको भी ऐसे लगा देना है। फिर ये जो लॉक है ये लॉक को टाइट कर देना है। अभी पानी चालू कर देंगे, देखिए फ्रेंड्स ये पानी भरता रहेगा और ये अभी फ्लास अभी जब हम उठाएंगे ये ऊपर से उठता है। ये हो गया ये दो चीज़ का लीकेज का। फ्रेंड्स ये तो हो गया फ्लास का क्या होता है, यहाँ से अगर पानी आया तो या तो साइड से आया या तो टॉयलेट का अंदर, टॉयलेट का अंदर किधर से आता है यहीं से गिरता रहता है। ये दो चीज़ को आपको क्लियर करने के लिए फ्लास्क का अंदर इसलिए भी दो ही चीज़ रहता है, ये दो चीज़ को रेडी कर दिया तो ये बीमारी ख़त्म। दूसरा चीज़ क्या है फ्रेंड्स देखिए, कभी कभी क्या होता है फ्लास्क करने पर यहाँ से भी पानी आता है,
ये जो वाशर लगा है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक ब्लैक वाशर लगा हुआ है, ये वाशर कभी कभी खराब हो जाता, सड़ जाता, इस तरह वो वाशर खराब हुआ था, इसी तरह का ये वाशर भी खराब होता है फ्रेंड्स। ये वाशर का कीमत जो है 60 रुपीज़ है, कोई भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। आप लाके पाइप को निकाल दो, वाशर को पहले डाल दो, फिर पाइप को पुश कर दो, तो पुश करने के बाद कभी भी लीकेज नहीं होगा फ्रेंड्स। ये ऐसा नहीं करना है, या तो मैं सेम सील व्हाइट सीमेंट ऐसा कुछ भी मत लगाओ, क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये धीरे धीरे एक्सटेंड होता रहता है, जिसके वजह से साइड में गैप हो जाएगा, लीकेज होता रहेगा। इसलिए आप वाशर ही यूज करो, और वाशर करेक्ट से अगर आपने यूज किया कुछ नहीं होता, क्योंकि देखिए उसको पाइप को निकालना है, पहले वाशर को पुश कर दो और उसका जो सेंटर होल में पाइप को घुमा के थोड़ा पुश करके फिर सेट करना है, तो ये लीकेज बंद हो जाएगा। कभी कभी फ्लश करें तो यहाँ जो गिरता है वो बीमारी खत्म। दूसरा चीज़ क्या है फ्रेंड्स, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि पाइप में टच होकर पानी आता है, फ्लश करने के बाद यहाँ थोड़ी देर तक यहाँ आता है, जिसके वजह से ये पाइप कवर से ब्राउन कलर का लाइन पड़ा रहता है यहाँ पे। उसको रेडी करने के लिए फ्रेंड्स क्या है, ये कप को खोलना है, जो फ्लश का जो ये टाइट हुआ है इस कप को खोलना है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ भी एक वाशर है, देखिए देखिए मैंने चेक किया, ये वाशर है, तो ये यहाँ पे एक ब्लैक वाशर है। अगर ये वाशर ख़राब हुआ तो आप वो हार्डवेयर शॉप में ले सकते हो, ये सिर्फ 10 रुपया है। अगर नहीं मिला तो भी आपको क्या करना है, टेफ्लिन टब तो थोड़ा घुमा देना है, इसका जो चार तरफ पाइप को निकाल के पहले टेफ्लिन टब ऐसे घुमा दो, ये यहाँ बॉटम से लेके अंदर तक थोड़ा ऐसा 4-5 राउंड टेफ्लिन टब घुमा के फिर पुश करके इसको टाइट कर दो, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जो टेफ्लिन टब है ये वाशर की टाइप काम करेगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैं आपको एक चीज़ खोल के दिखाता हूँ, देखो आपको जो बट देखिए मैं अभी खोल दिया इसको, देखिए फ्रेंड्स ये वाशर क्या है, थोड़ा सा पुराना हो चुका था, इधर क्या है थोड़ा सा टेप टेप ऐसे राउंड कर रहे तो एक किंतु का गैप नहीं रहेगा, तो आपको मैं अभी इसी को यूज किया था। अगर चाहे तो आप जो नया वाशर लाओगे, पहले ये वाशर ऐसे लाके ऐसे ब्लैक टाइप रहता है, ये पुराना हो चुका था इसलिए मैंने टेफ्लिन टब दिया, आप लोग भी ऐसे ही टेफ्लिन टब थोड़ा देख के टाइट कर सकते हो। तो ये पहले पुश कर देना, कमर का पीछे पुश कर देना, फिर आपको क्या करना है, पाइप को बिल्कुल उसका अंदर डाल के थोड़ा सा ऐसे घुमा के पुश कर देना, ठीक है। और दूसरा ये जो वाशर है, मैं जो आपको बोला था, ये वाशर अगर ख़राब हो गया तो यहाँ पे टेफ्लिन टब थोड़ा घुमा देना, घुमा के फिर इसका अंदर भर देना। कभी भी करने का टाइम फ्लास्क को खाली करके नहीं तो थोड़ा उठा दो, ऐसे बेंड नहीं करना है, फिर ये कप को टाइट कर दो, ये जो आपको जो फ्लास्क का जो लीकेज बीमारी ये नहीं आएगा। हो गया। और दूसरा क्या है, ये जो लीकेज आपको पता चल गया किस तरह का उसको रेडी करना। और तीसरा कहाँ पे आता है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, यहाँ से लीकेज होता है, देखो ये जो कनेक्शन पाइप भी यहाँ पे टच हुआ है, इसको टाइट हुआ है, यहाँ से आता है। जब भी यहाँ से आता है थोड़ा सा ये मंकी प्लास या कोटिंग प्लेयर या तो स्पैनर लेके थोड़ा क्या करना है, इसको पकड़ के टाइट करना, क्योंकि यहाँ से आप घुमाओगे अंदर घूम जाएगा, इसलिए अंदर को एक कवर खोल के इसको सीधा कवर खोल दो, इसको पकड़ो, पकड़ के इसको टाइट करो, इसको ऐसे टाइट कर सकते हो। अगर आपने ऐसे ही इसको पकड़ के घुमा दिया तो ये अंदर घूम जाएगा, सिस्टम सब बिगड़ जाएगा, इसलिए यहाँ से लीकेज आया तो आप थोड़ा इसको टाइट कर दो, अगर इधर से ऐसे कुछ लीकेज आया तो भी इसको टाइट कर देना है। और दूसरा चीज़ क्या है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, यहाँ से पानी फ्लास्क में धीरे भरता है, बहुत टाइम का आधा घंटा जो लगता है, ये पाइप कभी कभी यहाँ से रस्ट होके जाम हो जाता है, खोल के क्लीन करो, अगर पाइप ज़्यादा खराब है तो ये पाइप को चेंज कर देना है, क्योंकि कनेक्शन पाइप क्या होता है, अभी तो ये ब्रास का लगा हुआ है, कोहिनूर पाइप कहीं कहीं जीआई का लगा रहता है, जिसकी वजह से रस्ट होके ब्लॉक हो जाता है, उसको निकाल देना, चेंज कर देना। और दूसरा चीज़ चेंज करके, ये पाइप क्या है, ये 2 फीट का लगा है, 1.5 फीट का जो आता है 90 रुपीज़ का आता है, 2 फीट का 95 रुपीज़ आता है। और चाहे तो आप कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो, ये कोहिनूर का मैं जो प्राइस बताया, और आप ला के चेंज कर सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है, अगर ये टैप में कभी लीकेज होता है यहाँ से फ्रेंड्स, कभी कभी ये जो ये तो हमेशा ओपन रहता है, कभी कभी यहाँ से ड्रॉप ड्रॉप गिरता रहता है, वो गिरने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका जो इसका अंदर एक स्पेंडल रहता है, वो स्पेंडल का जो चेकनट है वो खराब हो जाता है, वहाँ से भी ड्रिपिंग होता है, या तो स्पेंडल भी खराब हो गया तो वहाँ से भी ड्रिपिंग होता है। अगर आपको ये कप को खोलना है, इसको यहाँ से खोल दिया तो एक स्क्रू आएगा, खोलने के बाद चाहे तो स्पेंडल को बदलना है, नहीं तो पहले अगर फुल टर्न वाला, ये हाफ टर्न और फुल टर्न दोनों रहता है, फुल टर्न में क्या होता है चेकनट रहता है, वो चेकनट को थोड़ा टाइट करना है,
टाइट करें तो लीकेज बंद हो जाएगा। अगर बंद टाइट करने के बाद बंद नहीं हुआ तो स्पिंडल को बदलना है। स्पिंडल बदलना बोले तो 95 रुपीज़ आता है। और दूसरा चीज़ क्या है, लोकल का अगर कुछ स्टॉपर लगा हुआ तो उसको 60 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, आपका जो एंगल का बॉडी के हिसाब से उसका स्पिंडल का साइज आता है। जो भी साइज आएगा 60 से स्टार्ट होता है, 80-90 रुपीज़ तक आता है वो स्पिंडल को। इसको खोल के बदल दिया तो ये लीकेज भी बंद हो जाएगा। फिर से आपको मैंने बताया यहाँ से जो फ्लश का कहाँ से लीकेज, यहाँ पे अगर फ्लश करने के बाद ये कॉप का पास लीकेज, कमर का जो फ्लश बैंड का पास लीकेज, अगर ये ओवरफ्लो, ये सब का बारे में आपको बताया। तो ये जो है काम है फ्रेंड्स, इसको करने के लिए अगर आपने खुद अपना घर में ये काम किया तो आपको 300 रुपीज़ खर्चा होगा। क्योंकि ये जो पाइप अगर चेंज किया तो 90 रुपीज़ का पाइप है, और वो स्पेंडल को चेंज किया तो वो भी 90 रुपीज़ आता है। दूसरा ये वाशर जो चेंज किया तो 300 रुपीज़ का आता है। फ्रेंड्स अगर किसी प्लम्बर को बोला के करने के लिए कोशिश किया तो इसमें क्या होता है, वो तो 200 चार्ज लेगा ही लेगा। और दूसरा 200 चार्ज आता है, 300 मेटल, 500 में आपका ये टॉयलेट का अंदर जो भी लीकेज है वो सब भी रेडी हो सकता है। आपको पता समझ में आ गया होगा कि इतना ही प्रॉब्लम है। आप भी देख लो आपका घर में जब यूज करते हो, यही एक में जितना अभी लीकेज के बारे में बताया इसी ना इसी कोई ना कोई इसका रहता है। तो ये आपको ये मैं हमारे आप लोग समझ में आ गया होगा कि किस तरह का इसको रेडी करने करते रहें। फ्रेंड्स अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा लाइक तो एक फ्रेंड्स एक जरूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। और दूसरा चीज़ फ्रेंड्स क्या है, इसी तरह का मैंने नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट ब्लॉग का साथ नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके मैं फिर आता हूँ। आज के लिए इतना ही है।